वही 6 जुलाई की सुबह अकोला के भंगार बाजार में स्थित एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की खबर उजागर हो गई है। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। आग की खबर तुरंत दमकल विभाग को दी गई। वही दमकल विभाग को 2 फायर इंजन आग काबू पाने में लग गए। वही बता दें कि आग बुझाते समय दुकान मालिक वकार खान आग की भाप लगने से घायल हो गया। वकार खान की दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। गनीमत यह रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट से यहाँ पर आग लगी एक दुकान के अंदर। इनकी दुकान थी, पता नहीं अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ वायरिंग से और वो शॉर्ट होकर फिर नीचे आग निकल गई। दमकल विभाग की गाड़ियाँ फौरन आ गई और 10 मिनट के अंदर इस पर आग पर काबू अच्छे से पाया। गेस्ट हाउस के सामने शास्त्री स्टेडियम, वहाँ पे भंगार बाजार की 2 दुकानों में आग लगी। वैसे कुछ लोग ने आकर वहाँ पर माहिती दी हम लोगों को, तो वैसे तत्काल हम लोग यहाँ पर आकर आग पर पूरी तरह से काबू पाया।